मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद नहाएंगे। ये नीट है, इनसे कपड़े भी धोए जाते हैं और इंसान भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू अदर ब्लॉग। और आज की इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ गुप्तेश्वर मंदिर और भाई के साथ जा रहा हूँ। ये है देवेश पंत। हेलो गाइस, बने रहना ब्लॉग में लास्ट तक। ये आ गया त्रिपुरा देवी मंदिर। ये गया रहा है अगर पहुंच गए हम। तो देखिए संकट मोचन हनुमान मंदिर गोदीगाड़। तो गोदीगाड़ इसलिए यहाँ का नाम, देखो नीचे, ये देखो नीचे नदी बह रही है, आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप। ये देखिए, ये देखो टॉप तक। लेकिन यार अभी ये बोल रहे हैं कि नहीं आ सकते हम अभी, क्योंकि दर्शन का समय 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। और बाकी भाई आसपास कोई जगह गोदीगाड़ मंदिर है किससे आगे, कहाँ पे? ये थोड़ा आगे रोड जा रही है, रोड से देख पूर्णागिरी मंदिर में। ठीक रोड में ही है। नूर इज नूरेली, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वैली, समझ रहे हो? जब भी इधर आओ रेस वेसिंग करनी है। रोड थोड़ी ठीक है, अच्छी रोड है, पर और पहाड़ की रोड है, पतली होती हैं। ये देखो जैसे सामने पे दिखाया था मैं आपको, ये देखो एक कार जा रही है, एक ट्रक अभी तो निकल गई रोड में, नहीं तो एक को बैक पीछे जाना पड़ता है फिर आगे आके। अभी ऐसा है कि भाई मैं घर से निकले थे धूप अगरबत्ती लेके, मंदिर में जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि मंदिर बंद है, तो हम कोई नई लोकेशन ढूंढ रहे हैं, शायद यहाँ नहा के घर चले जाएं। ये देखो नदी। बिल्लकेश्वर महादेव मंदिर, मंदिर के अंदर आते ही ये देखो नदी है, जाएंगे नहाएंगे भी। ये क्या गिरा है? ये वो है ना, ये रीठा, रीठा। वैसे ये देखो, ये वो रीठा है, इसका शैम्पू बनता है, मतलब बच्चों में आंटी आंटी बोलते थे हम इसे। दिखाता हूँ, नहीं फूट रहा है, अरे कच्चा है अभी, इसके अंदर से ब्लैक ब्लैक निकलता है मतलब। ये देखो ये है, बहुत सुना है इसके बारे में। आज टाइम है कि हम इसे नहाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सुने होते थे हमारे टाइम पे शैम्पू नहीं होता था बेटा, तो आज मैं भी इसको लेके जाऊंगा नीचे और इसे नहाऊंगा, बहुत सारे लेके जाके मंदिर के दर्शन करते हैं उसके बाद नहाएंगे। शांति तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल जो है आराम से बैठो। तो लेकिन यहाँ पे बहुत पूजा होती है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, इतना बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर है और यहाँ पे दो तीन पूजाएं एक साथ भी होती है। यहाँ पे नंदी की में बताए जहाँ पे शिव जी होंगे उसके बाहर पे, मतलब मेरे हिसाब से। शनिदेव का मंदिर है, शनिवार के दिन शनिदेव का मंदिर आ गए, अभी सही जगह पहुँचे, सही जगह पहुँचे हम, पता नहीं था फिर भी आ गए, बहुत बड़ी बात है। यार बहुत ही स्लो है, बड़ा तो मैं इसके गर्दी यहाँ, ये हाँ हाँ, यहाँ भी मंदिर, यहाँ धर्मनौला भी है, मोटर भी लगी शायद ऊपर पानी पीने के लिए, एक नंबर जगह आओ इधर कभी आते बहुत तगड़ी जगह है यार ये, भाई गॉड मुझे पता नहीं था, देख रहे हो? स्नान ग्रह है। हाँ ये देखो, इतना पानी तेरी नाक में आ जाएगा। ये देखो भाई लोग जो है बढ़िया सा यहाँ पे जो है नदी का व्यू है, बहाव बहुत तेज है और गहरी भी है, बीच में जाना बहुत सेफ नहीं होगा, लेकिन जो है किनारे से ही हम लोग नहाएंगे। तो मैं पानी का फ्लो
पता लगाऊंगा कि पानी की रफ्तार क्या है, उसकी पानी में टीवी बाइक को अलाउ करूंगा कि आप आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। हालांकि इससे कपड़े खुल के टैंक रवे लेंगे नहीं तो। तो नालिया भाई ने, और बाकी अब हम साबुन लगाएंगे। हाँ मेरी नाक में पानी नहीं है वैसे तो। अब हम क्या करेंगे, खा गए और रिठे गाइस, बहुत मजा आ रहा है भाई को, फर्स्ट टाइम है भाई का पानी में। सही में तू ही नहाया आज तक ऐसे ऐसे? तो रामनगर में वो कोसी मंदिर, कोसी नदी नहीं है, गर्जिया मंदिर गया। हाँ गर्जिया मंदिर, गर्जिया हम गए नहाया नहीं, लेकिन किनारे किनारे वहाँ भी अच्छी लगाया डिपकी यार, हमें वहाँ जाना चाहिए वैसे। यार लगे सर है आप लोग को, कम लग रहा हूँ बहुत, जगह स्लो है मतलब, डर लग रही है। मैं जाता हूँ पानी में फोन लेके। तो मैं कर दी है ये, मतलब इतना तो जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं, इतना भी जा सकते हैं। ओ भाई माइक ढूंढ क्या पता चल रहा है आवाज है। ओ धो क्यों रहा तूने, शैम्पू था वो। ये नीट है, इनसे कपड़े भी धोए जाते हैं और इंसान भी, ये समझ ले गाइस। अब नहाते हैं, नेचुरल शैम्पू, नेचुरल शैम्पू ये पहाड़ों में ही मिलता है और कहीं नहीं। तो अब सो गाइस ये है कैसे नहाने में, बताता हूँ, बाकी मैं रख देता हूँ यहाँ पे, अभी ले लेंगे। तो ये है मतलब, अगर ये सड़ा नहीं है तो ऐसे नहाते हैं, मैं बता रहा हूँ। बाकी ये शैम्पू निकलेगा इसके अंदर से, देखो ये देखो शैम्पू निकल गया, प्योर शैम्पू नेचुरल, कैमरा का ये देखो। ये देखो शैम्पू निकल गया, सेम साबुन लाइट दिखा रहा हूँ। ये वो चीज़ है जो जो बड़े बड़े शैम्पू में नहीं मिलती है, वो है नेचुरल शैम्पू, बाल बनाए प्राकृतिक। तो गाइस आज हम जो है इधर बिल्केश्वर महादेव मंदिर में आए हुए हैं, और इसके ठीक नीचे पे जो है बड़ी अच्छी जो है नदी बहती है, इसका नाम जो है गोदीगाड़ है, और इसका बहाव आपको हमने दिखाई दिया है। और हम यहाँ नहाने आए हैं पहली बार, मैं तो पहली बार ही आया हूँ भाई के साथ, और भाई भी पहली बार ही आया है। तो और ख़ासकर अपने यहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो लॉकडाउन में टाइम का भरपूर आनंद लेते हुए, और जो है मंदिर के साथ साथ जो है प्रकृति का भी आनंद लेते हुए, प्रकृति में रीठा विथ वाटर नेचुरल जो है बिल्कुल मजे करते हुए, रीठे के जो है उससे साबुन से नहाते हुए। एक बार हम जो है नदी में नहाएंगे, एक बार आगे जो उधर नौला जैसा बनाया उसमें भी नहाएंगे, जो स्नान ग्रह बना हुआ है। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। वहाँ भी जाता कैसे जो है तैरना सीखा जाता है और पानी के अंदर रहना सीखा जाता है, जैसा कि भाई ने बताया। हमने भाई को सिखा दिया, भाई का भाई का मूड हुआ के दिखाओ, अंदर जाओ पास ही इनके लिए। लंबी सांस लें, हमने भी प्लान नहीं किया था नहाने का, लेकिन नहा लिया हमने, बहुत मजा आया यहाँ पे। और अब जाते हैं हम घर को। अगर यहीं पर अभी कोई रिजॉर्ट होता तो यहाँ पे लोग दूर दूर से आते और अच्छा खासा पेमेंट कर देते, 5-6 हज़ार रुपये घंटे का, नहाने का, हर चीज़ का, घूमने का। मंदिर है, फ्री में है, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। तो आओ यार, यहाँ जरूर आओ, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत मज़ा आया नहाने में भी। पहुँच गया मेरी नागा, बहुत मज़ा आया आज। तो वीडियो अगर चैनल में नहीं होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।